हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट 3 में अपन स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो स्टार्ट करते देखो, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जब अपन ने कल देखा था कि टैक्सोनॉमी में अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और फिर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं किसी चीज का, तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में नहीं होता। मतलब आपको पहले बड़ी कैटेगरी बनानी पड़ती है, फिर उससे छोटी कैटेगरी बनानी पड़ती है, फिर उससे भी छोटी कैटेगरी बनानी पड़ती है, और ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज बनानी पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व अ हायरार्की। अब देखो, हायरार्की का मतलब समझते हैं पहले। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो और उसमें एक सबसे छोटा या लोवेस्ट स्टेप हो, फिर उससे बड़ा स्टेप, फिर उससे बड़ा स्टेप, फिर उससे बड़ा स्टेप। तो ऐसे जो स्टेप की एक सिस्टम बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे, हायरार्की। तो क्लासिफिकेशन एक स्टेप में नहीं होता, उसमें ऐसे बहुत सारे स्टेप होते हैं इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, और जिसमें हर एक स्टेप जो होता है वो एक रैंक या कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करो कि अपन क्लासिफिकेशन में चार स्टेप बनाते हैं, तो जो सबसे छोटा वाला स्टेप होगा वो क्या होगी, पहली रैंक, फिर उससे बड़ा वाला स्टेप दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक। मतलब हर स्टेप का अपना एक लेवल होगा और उस लेवल को अपन क्या कहेंगे, उसकी रैंक कहेंगे, ठीक है। और वो जितने भी स्टेप बनेंगे उन स्टेप को अपन क्या कहेंगे, कैटेगरी कहेंगे। These category are part of taxonomic arrangement। और अपन ने ये category क्यों बनाई है, ताकि अपन क्या कर सके, taxonomy में उस organism का क्या कर सके, arrangement कर सके। और यही वजह है कि इन category को क्या कहते हैं, taxonomic category। यहां से लेकर यहां तक की ये जो line है ये NCERT में ऐसे कैसे लिखी हुई है। तो अब taxonomic category से अपन समझते क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखो, taxonomic category is a particular position or rank in a taxonomic arrangement। जो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर रैंक जो होती है या एक पर्टिकुलर पोजीशन जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे अपन क्लासिफिकेशन लिखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसे सबसे बड़ी कैटेगरी बनाते हैं किंगडम, फिर उससे छोटी कैटेगरी क्या होती है, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, ये जो मैं लेवल बोल रहा हूं, इन्हीं को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दो तरीके की हो सकती है, एक ऑब्लिगेट कैटेगरी और एक इंटरमीडिएट कैटेगरी। ऑब्लिगेट कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिन्हें आप टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन लिखते समय यूज करना ही होगा, ऐसी कैटेगरी को अपन क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन है, करना कंपलसरी है। तो जितनी ऑब्लिगेट कैटेगरी अपन रीड करेंगे वो सारी तो क्लासिफिकेशन में अपन को बनानी ही पड़ेगी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच आर ऑलवेज यूज्ड इन अ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट उसे अपन क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट कैटेगरी कहेंगे। और कितने तरीके की ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम, उससे छोटी होती है फाइलम, उससे छोटी होती है क्लास, उससे छोटी होती है ऑर्डर, फिर उससे स्मॉल कौन सी होगी, फैमिली, फिर जीनस, और फिर क्या होगी, स्पीसीज। तो ये जो अपन ने क्या बनाया, स्टेप बनाया, 7 स्टेप में अपन क्लासिफिकेशन किया है। तो ये 7 स्टेप में हर एक स्टेप, हर एक पोजीशन जो है वो क्या कहलाएगी, अपनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाएगी। और ये 7 कैटेगरी तो अपन को हमेशा यूज करनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपन जो एक कैटेगरी जो होती है उसका अपन एक और उसमें कैटेगरी बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यों। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अपनी स्कूल होती है उसमें अपन जैसे 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो 8th क्लास में मान लो उस क्लास की स्ट्रेंथ जो है 50 स्टूडेंट की, और मान लो कि इस साल जो एडमिशन है वो 100 स्टूडेंट का हो जाए, तो अपन एक ही क्लास में तो बैठा नहीं पाएंगे। तो अपन ने उस क्लास 8th के दो सेक्शन कर देंगे, क्लास 8th का सेक्शन ए, क्लास 8th का सेक्शन बी, तो दो सेक्शन कर दिए। तो ये अपन ने एडिशनल कैटेगरी बनाई, जबकि अपन ने पहले डिसाइड किया था कि हर क्लास की एक एक अपन क्या बनाएंगे, रूम बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने दो बना दी। तो जब अपन को ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो तो अपन को इन कैटेगरी को और डिवाइड करना पड़ता है, ऐसे केस में कुछ एडिशनल कैटेगरी भी यूज करते हैं, उन कैटेगरी को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी।
तो एडिशनल कैटेगरी टू इंडिकेट पोजीशन मोर एक्यूरेटली, और अच्छे से अपन पोजीशन शो कर पाए उसके लिए जो कैटेगरी यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी। ये जनरली जो होती है आपकी किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर या पर्टिकुलर कैटेगरी के नीचे आ सकती है। जैसे इंटरमीडिएट कैटेगरी जो ऑब्लिगेट कैटेगरी के ऊपर है, जैसे कि फाइलम के ऊपर अगर एक बड़ा फाइलम बनाना है तो सुपर फाइलम, क्लास के ऊपर एक बड़ी क्लास बनानी है तो सुपर क्लास, या फिर इंटरमीडिएट कैटेगरी के जो नीचे है उसे अपन क्या कहेंगे, जैसे सब फाइलम सब क्लास। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सब क्लास है तो वो क्लास की क्या होगी, नीचे, लेकिन सुपर क्लास बोलूंगा तो वो क्लास की क्या होगी, ऊपर होगी। ठीक है, तो कुछ और एडिशनल कैटेगरी अपन यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, हमेशा यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा कौन सी कैटेगरी यूज करनी है, ये 7 कैटेगरी यूज करनी है। तो जो कैटेगरी हमेशा यूज होती है उसे ऑब्लिगेट कहेंगे, और कभी कभी जो एडिशनल रिक्वायर्ड होती है उसे अपन इंटरमीडिएट कहेंगे। ऑब्लिगेट कैटेगरी कितनी होती है, 7 कैटेगरी होती है। इंटरमीडिएट कितनी होती है, ये कोई फिक्स नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है कि क्लासिफिकेशन करते समय जो अपन लेवल बनाते हैं उसमें हर एक पर्टिकुलर जो पोजीशन या हर एक जो स्टेप जो होता है उसे अपन क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। दो तरह की कैटेगरी होती है, दो तरह के ग्रुपिंग हो सकते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी जो हमेशा अपन यूज करते हैं, और इंटरमीडिएट कैटेगरी जो अपन को एडिशनली कभी कभी रिक्वायर्ड होती है। ऑब्लिगेट कैटेगरी के नंबर कितने होते हैं, 7, इंटरमीडिएट के नंबर कितने होते हैं, कोई फिक्स नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है, अभी अपन ने देखा कि 7 जो है अपने कैटेगरी है, कौन कौन सी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसी। इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी होती है, किंगडम। तो लार्जेस्ट और हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक, टीसी का मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अपन को पूछे तो अपन क्या लिखेंगे, किंगडम। स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछे तो स्पीसी, वैसे स्पीसीज के नीचे भी हो सकती है लेकिन अपन को स्पीसीज लिखना है। लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो भी स्पीसीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी पूछे तो अभी अपन को क्या लिखना है, स्पीसीज लिखना। ठीक है, एक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये क्या होता है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो अपन ने 7 जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको या तो छोटे से बड़े की तरफ, या तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ एक सिक्वेंस में लिख दे तो उसे अपन क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे मैंने ये जो सीक्वेंस लिखा ये मैंने डिसेंडिंग लिखा, सबसे बड़ा ऊपर लिखा, उससे छोटा नीचे, उससे स्मॉलेस्ट जो कैटेगरी थी उसके नीचे, फिर ऐसे करते करते सबसे स्मॉलेस्ट नीचे रखी। तो ये डिसेंडिंग सीक्वेंस जो है ये पूरा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, सबसे ऊपर मैं स्पीसीज लिखूं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे नीचे किंगडम लिखूं जो सबसे बड़ी, तो इसे असेंडिंग कह देंगे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग अपन जिस फॉर्म में भी लिखना चाहे, एक सीक्वेंस में जब अपन लिखेंगे तो उस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्योंकि ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की सबसे पहले बार लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दी थी, इसीलिए इसे लीनियर हायरार्की भी कहते हैं। ठीक है, बाय नॉलेज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो अपन को किसी एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके सारे कैरेक्टर की क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो बाय नॉलेज ऑफ कैरेक्टर अ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर कैटेगरी। अब इन कैटेगरी में कैसे पुट करेंगे, पुट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे करेक्टर चाहिए। ठीक है, तो वो करेक्टर के बाद में अपन इन कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसमें अपन ने क्या क्या स्टडी किया, सबसे पहले ये देखा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, क्लासिफिकेशन करते समय जो अपन अलग अलग स्टेप्स बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में पर्टिकुलर पोजीशन को शो करती है। ये दो तरह की हो सकती है, ऑब्लिगेट और कैसी हो सकती है, इंटरमीडिएट। ऑब्लिगेट वो होती है जो हमेशा अपन को कैटेगरी बनानी पड़ेगी क्लासिफिकेशन करते समय, ऐसी 7 कैटेगरी होगी। और इंटरमीडिएट वो होती है जो अपन कभी कभार एडिशनली यूज करेंगे। आप जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो ये तो हमेशा लिखेंगे, अब सब फाइलम सुपर क्लास सब क्लास ये कभी लिखेंगे कभी नहीं, तो वो कौन सी होगी, इंटरमीडिएट कैटेगरी होगी। और फिर अपन ने देखा टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, जब इन कैटेगरी को एक सीक्वेंस में चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अपन लिखते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो आगे एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं, ICBN। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर।
तो आईसीबीएल ने कुछ सर्टेन सफिक्स दिए। सफिक्स क्या होते हैं अपन जानते हैं, प्रीफिक्स जो वर्ड के आगे लगते हैं, सफिक्स जो वर्ड के पीछे लगते हैं। तो कुछ सर्टेन सफिक्स दिए जिनसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फाइलम का नाम, मतलब जो वर्ड अपन को सामने आ रहा है वो फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, वो अपन सफिक्स से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा किसने दिया था? आईसीबीएन ने दिया था। मतलब ये जो सफिक्स है ये अपन को किन के नाम में दिखेंगे, जब अपन प्लांट की स्टडी करेंगे तब दिखेंगे। तो अगर किसी नाम के पीछे फाइटा वर्ड आ रहा है तो वो डिवीजन को शो कर रहा है। एक चीज, डिवीजन क्या होता है, देखो प्लांट के केस में फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, उसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर फाइटा वर्ड आ रहा है तो वो उस प्लांट के फाइलम को या डिवीजन को शो कर रहा है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ये जो होता है थैलोफाइटा, ये वर्ड आते हैं। अगर फाइटिना वर्ड आ रहा है तो वो सब डिवीजन या सब फाइलम को डिनोट करता है। अगर ऑप्सिडा या फाइसी ऐसे वर्ड आए तो वो क्लास, जैसे अगर मैं बोलू क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ऐसे वर्ड बोलू तो आप समझ जाइए कि ये क्या होंगे, क्लास होंगे, ठीक है। अगर उनके पीछे ए एल ई एस वर्ड आ रहा है तो वो ऑर्डर है। अगर आई एन ई ए ई वर्ड आ रहा है तो ये सब ऑर्डर है। ए सी ये वर्ड आ रहा है तो फैमिली है, जैसे आपने टेंथ में भी सुना होगा ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, ठीक है, फेबेसी, ये जो वर्ड जो होते हैं मालवेसी, ये सब किसके थे, फैमिली के वर्ड थे, क्योंकि उनके पीछे क्या आता है, एसी वर्ड आता है। सब फैमिली के लिए ऑयडी वर्ड आता है। तो ये कुछ वर्ड है जिनको अपन लर्न कर ले तो जब भी कोई नाम आएगा तो अपन पता कर पाएंगे, स्पेशली प्लांट के केस में, क्योंकि ये आईसीबीएन ने एडॉप्ट किए थे। तो प्लांट के केस में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लास का नाम है या क्या है। जैसे मैं बोलूं कि आपको लाइकोप्सिडा ये वर्ड बोला, अब आपने ये पहली बार सुना है तो यहां पर देखिए कि ऑप्सिडा कहां रहा है, तो देखो ढूंढते हैं तो ऑप्सिडा ये रहा, तो इसका मतलब जो भी मैं अभी बोला हूं वो क्लास है, इतना तो पता चल रहा है। तो इनको अगर लर्न कर लेंगे तो अपन पता कर पाएंगे कि ये क्लास थी या डिवीजन था या क्या था। एक चीज याद रखनी है कि आईसीबीएन ने किंगडम के लिए कोई सफिक्स नहीं दिया, जीनस के लिए भी कोई सफिक्स नहीं दिया, और स्पीसीज के लिए भी कोई सफिक्स नहीं दिया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है टैक्सोन। तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि टैक्सोन जो है एक सिंगुलर वर्ड है, अगर इसका प्लूरल वर्ड देखें तो वो क्या होगा, टैक्सा होगा। अब टैक्सोन होता क्या है, तो देखो यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर आपको कभी पूछे कि यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती है तो अपन क्या लिखेंगे कि वो क्या होती है, टैक्सोन होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अच्छे से समझना, देखो कि अगर ये टैक्सोन और जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी इसमें डिफरेंस क्या, तो देखो ये डिफरेंस कुछ ऐसे, जैसे अपने अगर अपन कंट्री की स्टडी करते हैं तो एक होता है पीएम, एक होते हैं सीएम, तो ये तो क्या बता रहा हूं मैं, पोस्ट या पोजीशन के बारे में बता रहा हूं। और अभी मैंने आपको बोला था कि जो पोजीशन होती है उसे अपन कैटेगरी कहते हैं, तो ये पीएम की पोस्ट, सीएम की पोस्ट, ये सारी तो क्या है, कैटेगरी है। अब उन पोस्ट पे कौन है वो क्या कहलाएंगे, टैक्सोन कहलाएंगे। जैसे देखो ये कैटेगरी थी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये कैटेगरी थी, हायरार्की की फॉर्म में मैंने इनको नोट कर दिया। अब अगर मैं ह्यूमन का क्लासिफिकेशन लिखना चाहूं तो किंगडम की जगह पर क्या लिखा, एनिमेलिया, फाइलम की जगह क्या लिखा, कॉर्डेटा, क्लास की जगह क्या लिखा, मैमेलिया, ऑर्डर की जगह प्राइमेट्स, फैमिली की जगह होमिनिडी, जीनस की जगह होमो और स्पीसीज की जगह सेपियंस। अब देखो अगर मैं पूछूं जीनस क्या है तो कैटेगरी है, लेकिन होमो क्या है, टैक्सोन है, क्या है, टैक्सोन। अगर मैं पूछूं स्पीसीज क्या है तो कैटेगरी है, लेकिन सेपियंस पूछूं तो क्या है, टैक्सोन। ऑर्डर, ये ऑर्डर ह्यूमन के केस में ऑर्डर क्या आया, प्राइमेट्स आया था, तो ये प्राइमेट, प्राइमेटा जो है वो क्या होगा, टैक्सोन होगा। तो टैक्सोन बेसिकली क्या शो करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो करता है जो एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की जगह आता है। जैसे ह्यूमन के केस में जो अपने क्लास है वो क्या है, मैमेलिया, तो मैमेलिया बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते, तो मैमेलिया क्या हुआ, टैक्सोन हुआ, और क्लास जो है वो क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। जैसे हाउसफ्लाई के केस में इंसेक्टा ये एक टैक्सोन है, आर्थ्रोपोडा ये एक टैक्सोन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो होमिनिडी एक टैक्सोन है, होमिनिडी और प्राइमेट्स ये दोनों कलेक्टिवली बोलू तो एक से ज्यादा टैक्सोन को क्या कहेंगे, टैक्सा, तो ये टैक्सा हो जाएंगे, ये सारे एक साथ बोलू तो ये क्या हो जाएंगे, टैक्सा हो जाएंगे। तो टैक्सोन जो होते हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी की जगह पर अपन क्या लिखते हैं, कौन से मेंबर आते हैं
उनको अपन क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे, ठीक है। तो ये अपने टैक्सॉन था। नेक्स्ट है, अगर कभी ये एक और क्वेश्चन आ रखा है पहले भी कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। देखो जैसे ये मैमेलिया जो है, ये क्या है, टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप बनाया है अपन ने उसमें एक रैंक को डिनोट कर रहा है। कौन सी रैंक है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ देखे तो थर्ड रैंक है, तो ये क्या होगा, टैक्सोन होगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टैक्सोन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पोजीशन को शो करती है और उस पोजीशन पे कौन से ग्रुप ऑफ मेंबर आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। जैसे ये सारे के सारे क्या है, कैटेगरी, और इनकी पोजीशन पे जो जो आएंगे, जो जो अपन एक्चुअल में वर्ड लिखने वाले हैं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे जैसे ह्यूमन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो क्लास तो नहीं लिखूंगा, उसकी जगह मैमेलिया लिखूंगा तो वो टैक्सोन होगा। किंगडम तो नहीं लिखूंगा, उसकी जगह एनिमेलिया लिखूंगा तो वो टैक्सोन होगा, ठीक है। टर्म टैक्सोन जो है सबसे पहली बार किसने दी थी, एडोल्फ मेयर ने दी थी। किसने दी थी, एडोल्फ मेयर ने। एक और चीज, जैसे जैसे अपन किसी टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की लिखी होती है उसमें अपन स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे देखो आप, मैं एक अच्छे से चीज इन दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये हाउसफ्लाई का क्लासिफिकेशन है और ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। अगर मैं ऊपर कैटेगरी पे देखू, देखो ये मतलब इन दोनों में कहां पर सेम आ रहा है, देखो ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, सब अलग अलग है। सबसे पहली बार सेम क्या आया, किंगडम सेम आया, तो जो सेम आ रहा है वो चीज सबसे ऊपर है। इसका मतलब एनिमेलिया और एनिमेलिया, सिर्फ किंगडम सेम आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, देख लो ह्यूमन के केस में और हाउसफ्लाई को कंपेयर करें तो क्या सेम आ रहा है, कुछ भी सेम नहीं, बस हम दोनों क्या है, एनिमल्स है, तो ये सेम है। तो जैसे जैसे अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। यही नीचे की तरफ अगर अपन देखें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि प्राइमेटा, प्राइमेटा किसका होता है, अपने ह्यूमन का भी होता है और प्राइमेटा ऑर्डर में मंकी भी आते हैं। तो मंकी और मिर में कंपेरेटिवली ज्यादा सिमिलरिटी है मिर में और हाउसफ्लाई में, क्योंकि हाउसफ्लाई और मेरे केस में जो सिमिलर कैटेगरी है वो कौन सी है, किंगडम, और मंकी और मिर में जो सिमिलर कैटेगरी आ रही है वो कहां पर आ रही है, ऑर्डर पे आ रही है, तो कंपेरेटिवली क्या है, ज्यादा सिमिलरिटी है। जैसे जैसे अपन नीचे तरफ मूव करेंगे और कोई दो ऑर्गेनिज्म के जीनस मान लो सेम है तो वो और क्लोजली क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। जैसे कि टाइगर जो होता है उसका जो नाम होता है पेंथेरा ट्राइग्रेस होता है, ठीक है, और जो लॉयन जो होता है उसका भी जीनस क्या होता है, पेंथेरा होता है, और यही वजह वो दोनों क्या है, बहुत ज्यादा क्या शो करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। तो जैसे जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं सिमिलरिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है, और डिसिमिलरिटी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो अगर अपन लोअर टैक्सा से हायर टैक्सा की तरफ जाए, लोअर टैक्सा बोले तो स्पीसीज और हायर टैक्सा बोले तो किंगडम, तो लोअर टैक्सा से हायर टैक्सा की तरफ जाए तो सिमिलरिटीज क्या होती है, घटती है, और डिसिमिलरिटी क्या होती है, बढ़ती है। अभी इसे आगे और एग्जाम्पल से अपन और समझेंगे, ठीक है। अगर लोअर टैक्सा में देखें, अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म का कोई लोअर टैक्सा सेम है, जैसे मान लो कि दो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज सेम है तो ज्यादा चांसेज है कि उनमें सिमिलरिटी सिमिलरिटी होगी। अगर दो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज अलग है, जीनस अलग है, ऑर्डर अलग है, मान लो फाइलम मैच कर रहा है, तो सिमिलरिटी होने के चांसेज क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो लोअर टैक्सा पर सिमिलरिटी क्या होती है, ज्यादा, हायर टैक्सा पे सिमिलरिटी क्या होती है, कम। लोअर टैक्सा पे अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि नहीं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो आसान होगा क्योंकि सिमिलरिटी ज्यादा है। हायर के केस में मुश्किल होगा क्योंकि सिमिलरिटी क्या होगी, कम। लोअर के केस में क्लासिफाई करना आसान होगा, हायर के केस में क्लासिफाई करना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। अब एक एक करके जो भी अपन ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी है उनमें क्या होते हैं वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो अपन को समझना, और उसके साथ अपन ये वाला पॉइंट एक बार और डिटेल में देखेंगे कि क्या ये लोअर से हायर की तरफ जाते समय कैसे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हो रही। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है स्पीसीज। देखो स्पीसीज जो है वो क्या है, टैक्सोनॉमिक स्टडीड कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी। ये अपने एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी कहता है कि टैक्सोनॉमी की जब स्टडी करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप स्पीसीज कहलाता है जिनमें फंडामेंटल बेसिक सिमिलरिटीज हो, जैसे मॉर्फोलॉजी से सेम हो या कुछ और सर्टेन फीचर के बेसिस पे सेम हो, उन फंडामेंटल सिमिलरिटी वाले ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे।
अब स्पेसीज टर्म जो है वो किसने दी थी? जॉन रे ने दी थी, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। और स्पेसीज के लिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। अब ये आप कहीं और पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो दिया था स्पेसीज का वो किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। अब यहां पर दो क्वेश्चन उठते हैं, पहला तो कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है, और दूसरा इस अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अपनी एनसीईआरटी बुक में जहां चैप्टर वन स्टार्ट होता है उससे ठीक पहले पेज पे अर्नेस्ट मेयर के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर एक काम की चीज है जो अपन को याद रखनी है, अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, तो अपन को क्या आंसर लिखना है? अर्नेस्ट मेयर। अब आते हैं कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है। तो देखो, अर्नेस्ट मेयर ने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड, वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन शो कर सके, इंटरब्रीड कर सके, और साथ ही साथ में नेचुरल एनवायरनमेंट पे, किसी लैब वगैरह में नहीं, अपने आप किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में उनके बीच में इंटरब्रीड करवाया जा सके, और उनसे जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो भी फर्टाइल होनी चाहिए। जो ऑफ स्प्रिंग आती है वो भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखे, ऐसे ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? स्पेसीज कहलाएगा। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहलाता है स्पेसीज का। और ये किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। जैसे अपन ह्यूमन लोग एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो फर्टाइल होगी, यही वजह है कि ह्यूमन का जो कलेक्शन होगा उसे अपन क्या कहेंगे? स्पेसीज। एक आपने सुना होगा म्यूल के बारे में। म्यूल के केस में क्या होता है कि डोंकी और हॉर्स के बीच में रिप्रोडक्शन करा के म्यूल प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस हिसाब से क्या डोंकी और हॉर्स एक ही स्पेसीज के? आंसर है नहीं, क्योंकि इंटरब्रीड तो कर लिए लेकिन जो उनसे बना म्यूल है वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रखता। जबकि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि रिप्रोडक्शन तो करना है, साथ में उनकी जो ऑफ स्प्रिंग आए वो भी रिप्रोड्यूस करे। म्यूल कभी भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रखता, यही वजह है कि हॉर्स और डोंकी को अपन अलग अलग स्पेसीज में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर स्पेसीज के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपको पूछे स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, तो अपन को क्या लिखना है? स्पेसीज। अगर अपन को पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो अभी अपन को क्या लिखना है? स्पेसीज। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछे तो अभी अपन को क्या लिखना है? स्पेसीज लिखना। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी की भी कैटेगरी देखते हैं, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं जीनस। देखो, सपोज करो कि ये 6 स्पीसीज थी, और ये 3 स्पीसीज जो है वो आपस में कुछ कुछ सिमिलरिटी शो कर रही है, लेकिन ये तीनों स्पीसीज इनके साथ सिमिलरिटी शो नहीं कर रही, और ये तीनों स्पीसीज आपस में सिमिलरिटी कुछ सिमिलरिटी शो कर रही है लेकिन इनके साथ सिमिलरिटी नहीं शो कर रही, तो इन स्पीसीज का कलेक्शन एक जीनस हो जाएगा, और इस स्पीसीज के इन स्पीसीज का कलेक्शन भी एक जीनस हो जाएगा। तो जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये स्पीसीज आपस में रिलेटेड थी, हैव मोर कॉमन कैरेक्टर, इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर थे, कंपेयर टू अदर ग्रुप, इस ग्रुप के कंपेयर में इस ग्रुप में आपस में ज्यादा क्या थे? सिमिलरिटी थी। तो इन ग्रुप को, इन स्पीसीज के ग्रुप को क्या कहेंगे? जीनस। और इस स्पीसीज के ग्रुप को दूसरा जीनस। तो जीनस बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या कहते हैं अपन? जीनस कहते हैं, जिनके पास में कुछ सर्टेन सिमिलरिटीज होती है। एक बार मैं इन सब की डेफिनेशन बता देता हूं ताकि एक चीज तो क्लियर हो। अगर मैं ये की ये डेफिनेशन फैमिली के लिए लिखूं कि जैसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या कहलाया? जीनस। वैसे वैसे ग्रुप ऑफ जीनस जिनके बीच में कुछ कुछ सिमिलरिटी हो उन्हें क्या कहेंगे? फैमिली। और ग्रुप ऑफ फैमिली क्या कहलाएगा? ऑर्डर। और ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या कहलाएगा? क्लास। ग्रुप ऑफ क्लास क्या कहलाएगा? फाइलम। ग्रुप ऑफ फाइलम क्या कहलाएगा? किंगडम। हाँ, हर के बीच में जो ये ग्रुपिंग बना रहे हैं वो ग्रुपिंग का क्राइटेरिया क्या है कि उनके बीच में कुछ सर्टेन सिमिलरिटी होनी चाहिए। एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर इनके बीच में मतलब जैसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या कहते हैं अपन? जीनस कहते हैं, लेकिन यहां सिमिलरिटी कुछ ज्यादा होगी। ग्रुप ऑफ जीनस को अपन फैमिली कहते हैं लेकिन वहां पर सिमिलरिटी की अमाउंट क्या होगी? कम होती जाएगी। फिर ग्रुप ऑफ फैमिली को क्या कहेंगे? ऑर्डर। वहां पर जो ग्रुप ऑफ फैमिली है जिनको मैं एक ऑर्डर कह रहा हूं उनके बीच में आपस में सिमिलरिटी थोड़ी और कम होगी। फिर ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्लास बोलूंगा लेकिन उन ग्रुप में सिमिलरिटी और ज्यादा कम होगी। ऐसा अपन ने पहले भी किया था कि जैसे जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे सिमिलरिटीज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेटो और ब्रिंजल दो अलग अलग क्या है? स्पेसीज है,
लेकिन ये दोनों का जीनस क्या होता है, सेम, और दोनों का जीनस कौन सा होता है, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटेटो का साइंटिफिक नाम है, और सोलेनम मेलोजीना मेलनजीना ये किसका नाम होता है, ब्रिंजल का नाम होता है। अब देखो इन दोनों की स्पीसीज अलग अलग है लेकिन इन दोनों का जीनस जो है वो सेम है, तो ट्यूबरोसम और मेलनजीना इन दोनों का जो ग्रुप होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सोलेनम जीनस कहेंगे। क्या कहेंगे, सोलेनम जीनस। ऐसे कैसे, देखो लियो लॉयन की स्पीसीज होती है, लेपर्ड सॉरी पार्डस जो है लेपर्ड स्पीसीज को शो करता है, टाइग्रिस जो होता है वो टाइगर स्पीसीज को शो करता है, लेकिन इन तीनों स्पीसीज को कलेक्टिवली एक ग्रुप के अंदर रखा गया जिसको बोला गया पेंथेरा, और वो किसको डिनोट कर रहा है, जीनस को। और क्यों रखा गया, क्योंकि इनके बीच में कुछ सर्टेन सिमिलरिटीज है, ठीक है। एक देखो फेलिस करके भी एक जीनस होता है कैट का, अब कैट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो और पेंथेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो, उनके बीच में कंपेरेटिवली कम सिमिलरिटी है। यही वजह है कि अपन ने जो है ये लॉयन लेपर्ड और टाइगर का अलग ग्रुप बनाया स्पेसीज का, और कैट्स के जो है उनका अलग ग्रुप बनाया। कैट के ग्रुप को अपन ने जो जीनस था उसको नाम फेलिस दिया, और लॉयन लेपर्ड इनके ग्रुप को नाम क्या दिया, पेंथेरा दिया। तो वो जीनस का सॉरी स्पेसीज का कलेक्शन जिनके बीच में कुछ सर्टेन सिमिलरिटी होती है कंपेरेटिवली अदर ग्रुप के, उसे अपन क्या कहेंगे, जीनस। ये अपने सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तो अपन को अच्छे से लर्न करने। अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पैंथेरा के अंदर आने वाली स्पीसीज कौन कौन सी है, इनसे और भी कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैमिली। फैमिली क्या होंगे, वो ग्रुप ऑफ क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जो जीनस का ग्रुप जिनमें कुछ सर्टेन सिमिलरिटी हो कंपेरेटिवली अदर ग्रुप ऑफ जीनस के, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विच हैव मोर कॉमन कैरेक्टर कंपेयर टू अदर फैमिली। अब जैसे देखो अगर पैंथेरा और फेलिस की बात की जाए, पैंथेरा और फेलिस दो अलग अलग जीनस थे लेकिन उनमें अगर थोड़े बड़े लेवल पे देखा जाए तो कुछ कुछ सिमिलरिटी होती। हाँ ये सिमिलरिटी पहले के कंपेयर में कम है। देखो अगर मैं लॉयन और टाइगर की बात करूं तो सिमिलरिटी काफी ज्यादा है, लेकिन लॉयन और कैट की बात करूं तो सिमिलरिटी थोड़ी कम है, लेकिन है तो है। तो उन ग्रुप का, उन जीनस का ग्रुप क्या कहलाएगा, फैमिली। तो जैसे पैंथेरा और फेलिस को एक ही फैमिली में रखा गया है, फेलिडी। एक आपने सुना होगा कि जो बिल्ली जो होती है वो शेर की मौसी होती है, तो देखो साइंस भी कहती है उन दोनों की फैमिली जो है सेम है। पैंथेरा जिसमें टाइगर लॉयन वगैरह आते हैं, फेलिस जिसमें कैट आती है, उन दोनों को एक ही फैमिली में पुट किया गया है, फेलिडी, ठीक है। तो कैट फैमिली जो होती है उसको कहते हैं फेलिडी, और उसमें ये सब आते हैं। डॉग की भी ऐसी कैसी एक फैमिली होती है जिसमें डॉग वॉल्फ वगैरह ये सब आते हैं, तो उन उस फैमिली को क्या कहते हैं, कैनेडी। अब इसके जो मेंबर है और इसके मेंबर में सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए यहां जीनस का जो ग्रुप है उसे एक फैमिली बोला, यहां जीनस का जो एक ग्रुप है उसे अपन ने कैनेडी अलग फैमिली बोला, ठीक है। ऐसे कैसे प्लांट के केस में सोलेनम पिटूनिया धतूरा ये सारे जो है इन सबको एक ही फैमिली में पुट करते हैं जिसको क्या कहते हैं, सोलेनेसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप ऑफ फैमिली जिसमें कंपेरेटिवली थोड़ी कम सिमिलरिटी लेकिन कुछ सिमिलरिटी हो, और कंपेयर करेंगे अपन किसी और ग्रुप ऑफ फैमिली का। मतलब दो ग्रुप ऑफ फैमिली, मतलब एक तरफ तीन चार फैमिली का एक ग्रुप है, एक तरफ और तीन चार फैमिली का एक ग्रुप है, इन वाली फैमिली के ग्रुप में कुछ सिमिलरिटी है और उन वाले में आपस में कुछ सिमिलरिटी है, तो वो एक अलग ऑर्डर बना लेगा, ये एक अलग ऑर्डर बना लेगा। जैसे सोलेनेसी और ये वाली जो अपने फैमिली है इन दोनों को एक ही किसमें ऑर्डर में पुट करते हैं, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। और देखो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो ये आपको सोलेनेल्स नाम मिलेगा, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में ये नाम दे रखा है तो अपन को यही रखना है, ठीक है। वैसे कैसे फेलिडी और कैनेडी, फेलिडी में कौन आते हैं, कैट फैमिली आती, कैनेडी में कौन आती, डॉग फैमिली आती, लेकिन दोनों को एक ही अपन ने किसमें बड़ी कैटेगरी में रखा जिसको क्या बोला ऑर्डर, और उस ऑर्डर का नाम क्या, कार्निवोरा। अब देखो जब अपन नीचे चले थे तो नीचे की तरफ ग्रुपिंग किस किस की थी, लॉयन लेपर्ड की, काफी सिमिलरिटी। थोड़ा और ऊपर बढ़े फैमिली में आए, वहां पर ग्रुपिंग किसकी हो गई, इनके साथ में कैट भी शामिल हो गई, सिमिलरिटी है लेकिन थोड़ी कम है। थोड़ा और ऊपर बढ़े तो अब डॉग को भी शामिल कर दिया, सिमिलरिटी और कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ग्रुप तो बन रहे हैं लेकिन सिमिलरिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर है क्लास। क्लास की भी वही डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। अब यहां पे देखो एक अपने ऑर्डर होता है प्राइमेटा, जिसमें मंकी गोरिला गिब्बन अपन ह्यूमन लोग आते हैं, और एक ऑर्डर था कार्निवोरा, अभी अपन ने देखा, जिसमें डॉग कैट वॉल्फ टाइगर लॉयन वगैरह आते हैं।
लेकिन इन दोनों को भी एक साथ में रखा गया, एक बड़ी कैटेगरी बनाई गई, क्लास कौन सी, मेमेलिया क्लास। तो अगर क्लास लेवल पे देखें तो मैं और डॉग, कैट, वॉल्फ, टाइगर सब एक ही मतलब क्लास के हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ज्यादा डिसिमिलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो साथ साथ में ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, अगर मैं यही एक लेवल ऊपर चला जाऊं ऑर्डर देखूं तो मेरा ऑर्डर अलग है, इन सब का ऑर्डर अलग है। अगर मैं और ऊपर जाऊं तो और भी मैं दूर होता जाऊंगा। मतलब जब अपन स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो अपना जो ग्रुप होता है उन ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनके बीच में सिमिलरिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे बड़े ग्रुप की तरफ जाते हैं उस ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनमें आपस में सिमिलरिटी कम है। जैसे क्लास लेवल पे देखिए तो ये पूरा ग्रुप एक साथ है मेमेलिया क्लास में, लेकिन इनमें सिमिलरिटी बहुत कम। अगर एक लेवल और ऊपर जाए फाइलम, जो कि क्या शो करेगा ग्रुप ऑफ क्लास को, तो उसमें देखो अपन ने पी का मतलब पीसीज बोले तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, ये सीक्वेंस आप याद भी रख सकते हैं परम नाम से। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्मों को एक ही साथ रखा अपन ने एक फाइलम में कॉर्डेटा। तो अभी तक तो मैं अगर एक लेवल पीछे जाऊं तो जो ग्रुप बनाया था उसमें एटलीस्ट मैं टाइगर, लॉयन इनके साथ में था। एक लेवल और ऊपर गया तो अब मैं फिश, फ्रॉग इनके साथ में, अब उनमें और मेरे में सिमिलरिटी बहुत कम है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूं सिमिलरिटी कम होती जा रही। फिर किंगडम, किंगडम किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम को क्या कहेंगे, किंगडम कहेंगे। जैसे नॉन कॉर्डेटा जिनमें बॉन नहीं होती, कॉर्डेटा जिनमें बॉन होती है, उन दोनों को कलेक्टिवली अपन किस में रखा, एनिमेलिया में। अगर मैं किंगडम लेवल पे देखूं तो मैं हाउस फ्लाई, मॉस्किटो इनके साथ में रखा जाता हूं। तो जैसे ही मैं सबसे ऊपर वाले कैटेगरी में पहुंचा तो सिमिलरिटी बहुत ही कम हो गई, अब इनमें और मेरे में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर एक लेवल पीछे जाऊं तो सिमिलरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, एटलीस्ट इन सब में बॉन्ड थी। अगर एक लेवल में पीछे जाऊं तो और ज्यादा सिमिलरिटी होते हैं, ये प्राइमेट्स जो होते हैं इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर मैं एक लेवल और ऊपर जाता ऑर्डर में तो और ज्यादा सिमिलरिटी होती। तो जैसे जैसे मैं अपने स्पीसीज की तरफ मूव करता हूं तो सिमिलरिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मैं किंगडम की तरफ मूव करता हूं सिमिलरिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। वैसे तो अपने ये हो गया आज का वीडियो, लेकिन मैं एक बार एग्जांपल से आपको फिर वापस अच्छे से समझाता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म लेते हैं अपन, लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग, ह्यूमन, और फिर अपन ने यहां पर लिखा है कि पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स और फिर नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म को अपन देखें तो ये बहुत ही अलग अलग है। तो अगर मैं स्पीसीज लेवल पे देखूं तो ये सारे के सारे अलग है, लेकिन जैसे ही मैं जीनस लेवल पे जाता हूं, लॉयन और टाइगर को एक ही जीनस में रखा, पैंथेरा जीनस में, तो जीनस लेवल पे ये दोनों सेम है और इनमें सच में कुछ सिमिलरिटी है। लेकिन मैं एक लेवल ऊपर जाता हूं फैमिली लेवल पे देखूं तो लॉयन, टाइगर और कैट तीनों सेम है और उसे फेलिडी फैमिली में रखा हुआ है। तो क्योंकि इनमें कुछ थोड़ी और सिमिलरिटी थी तो उस बड़ी सिमिलरिटी के बेसिस पे इनको पास पास में रखा हुआ, हालांकि नंबर ऑफ सिमिलरिटी अब कम होती जाएगी। अगर मैं ऑर्डर लेवल पे देखूं तो इसी कैटेगरी में, अभी देखो लॉयन स्पीसीज लेवल पे अलग था, जीनस लेवल पे देखा तो इन दोनों का ग्रुप साथ में बन गया, जब अपन ने फैमिली लेवल पे देखा तो कैट भी उसी के साथ ग्रुप में आ गया, ऑर्डर लेवल पे देखे तो कार्निवोरा और कार्निवोरा में ये चारों आते हैं, तो इन चारों का ग्रुपिंग बन गई। अगर मैं क्लास लेवल पे देखूं तो ह्यूमन भी इसके साथ में आ गया। अगर मैं फाइलम लेवल पे देखूं तो ये सब भी कॉर्डेटा और पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, ये सब भी कॉर्डेटा, सब में बॉन होती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। तो अगर फाइलम लेवल पे देखूं तो इन सब में इनको एक ही कैटेगरी में रखा, और अपन सब जानते हैं इन सब में सिमिलरिटी बहुत कम है, लॉयन की फिश से क्या सिमिलरिटी, बहुत कम सिमिलरिटी, एक दो सिमिलरिटी होगी। लेकिन अगर मैं किंगडम लेवल पे चला जाऊं तो नॉन कॉर्डेटा और लॉयन भी क्या होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं अपन ग्रुप तो बनते हैं लेकिन उन ग्रुप के मेंबर के बीच में सिमिलरिटी कम होती है, और जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं तो जो ग्रुप बनाएंगे उसमें मेंबर के बीच में सिमिलरिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर स्पीसीज लेवल पे देखें तो लॉयन के साथ में जो ग्रुप में सारे लॉयन होंगे उनमें आपस में जो है सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही जीनस लेवल पे गया तो उसके साथ टाइगर भी रख दिया, अब उनमें सिमिलरिटी है लेकिन कंपेरेटिवली कम। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता गया ऐसे मेंबर भी उसके साथ में ऐड होते गए जिसमें क्या होगी, सिमिलरिटी और ज्यादा कम। तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कब होती है, लोअर टैक्सा में, और सबसे कम सिमिलरिटी कहां होती है, हायर टैक्सा में। तो लोअर टैक्सा से हायर टैक्सा की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलरिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, डिसिमिलरिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, यही अपन ने पहले भी लिखा था।
तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, टैक्सॉन क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, और ये हर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी इसका आप क्या मीनिंग निकालते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये सब टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं चैप्टर के सबसे लास्ट वीडियो में, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में देखेंगे। वो अपना लास्ट टॉपिक होगा किसके बारे में, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।